और अच्छा अगर आप 500 रुपया तुड़वाते हैं, चेंज करवाते हैं, तो क्या उस पर आपको कुछ एक्सचेंज में एक्स्ट्रा पैसा वैसा देना पड़ता है? नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, इस बार यूपीएससी ने 2024 प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे थे, उसमें यूपीएससी ने जिन भी टॉपिक्स को टच किया था, हम लोग उन टॉपिक्स का डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, इन डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें हमने पूरी सीरीज बनाई है वीडियोस की। तो उसी सीरीज का आज कंटिन्यूएशन है। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस बार यूपीएससी ने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया था अपने क्वेश्चन में, और वो टॉपिक है डिजिटल रुपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं डिजिटल रुपी होता क्या है। सो गाइस, अगर हम बात करें डिजिटल रुपी की, तो रुपी तो इंडियन करेंसी है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये इंडिया का ही करेंसी होगा, ठीक है ना। इसको ई रुपी भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज ई रुपी। अब जरा समझिए, डिजिटल या ई रुपी ये कौन लॉन्च करता है? ये भी आरबीआई लॉन्च करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। सिर्फ ये डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ये जो डिजिटल रुपी या ई रुपी है, बस ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, बस ये डिजिटल फॉर्मेट में होता है। बाकी इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी रेगुलर करेंसी में होती, यानी जो पेपर करेंसी आप यूज करते हैं, जो आरबीआई प्रिंट करता है, उस पेपर करेंसी के साथ एसोसिएटेड जितने भी नॉर्म्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक इस ई रुपी या डिजिटल रुपी के साथ भी है। ये भी आरबीआई द्वारा ही पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई इशू करती है, इट इज इशूड बाय आरबीआई अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कि आरबीआई आपकी रेगुलर करेंसी इशू करती है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, यस और नो? जैसे आपकी रेगुलर करेंसी, ओके, सो एवरीथिंग इज सेम, या एवरी प्रॉपर्टी ऑफ दिस ई रुपी इज सेम एज पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई। जो पेपर करेंसी आरबीआई यूज कर इशू करता है, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, ऐसे ही डिजिटल रुपी भी इन्हीं डिनोमिनेशंस में होते हैं और सारी सेम प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास 500 का नोट है, तो क्या 500 के नोट को चेंज करवा सकते हैं, मतलब उसे 150 फॉर्म में चेंज करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं सर, बड़ी नॉर्मल चीज है। उसी तरह से डिजिटल रुपी को भी आप लोअर डिनोमिनेशंस में ब्रेक कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा आपको पहले भी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है। और अच्छा, अगर आप 500 रुपया तुड़वाते हैं, चेंज करवाते हैं, तो क्या उस पर आपको कुछ एक्सचेंज में एक्स्ट्रा पैसा वैसा देना पड़ता है? नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, नॉर्मली एक्सचेंज हो जाता है। सिमिलरली आपका ई रुपी भी नॉर्मली चेंज हो जाएगा लोअर डिनोमिनेशंस में, नॉर्मली एक्सचेंज हो जाएगा पेपर करेंसी में भी, इसके लिए कोई सरचार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। अंडरस्टूड गाइस? So I hope this is clear to you and it was helpful to you as well. So guys, हम लोगों ने सारे topics cover कर लिए जो UPSC ने prelims 2024 में directly economics section से पूछे थे, ठीक है। कुछ current affair based थे, उसको मैंने series में involve नहीं किया है, मैंने सिर्फ core economic topics को cover up किया है। I hope ये series आपके लिए helpful रहेगी और आपके knowledge के spectrum में कुछ और colors add करेगी। Thank you, take care, bye bye.